संसद के भीतर कृषि कानून को लेकर और जासूसी के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। दो हफ्ता बीत चुका है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी हैं, शिरोमणि अकाली दल से सांसद। प्रतिनिधिमंडल एक आया है जिसमें अकाली दल के अलावा और भी कई विपक्षी पार्टियां हैं। राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि कृषि कानून और जासूसी के मुद्दे पे संसद में चर्चा हो। हरसिमरत जी, राष्ट्रपति ने क्या आश्वासन दिया और आप लोगों ने अपनी क्या? देखिए, हमने 8 छोटी पार्टियों ने, जिसमें श्रोमणी अकाली दल के साथ बीएसपी, एनसीपी, एनसी और इसमें लेफ्ट पार्टी जो आज हमारे साथ नहीं है वो भी हमारे साथ है, हम सब ने अपील करी बड़ी पार्टियों को कि हम जब संसद नहीं चल रहा है, सरकार हमारे मुद्दे हमें नहीं उठाने दे रही, रोज की एडजॉर्नमेंट मोशन को एडमिट नहीं कर रही, दो हफ्ते हमने देख लिया सिर्फ शोर शराबा से नहीं, अब आगे कुछ और अपील करें। और हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है, उन्होंने हमें समय दे दिया, अब हमारे साथ चलिए, हम सब जाके जो देश के सर्वोच्च फर्स्ट सिटीजन है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन है, उनको जाके बताएं कि डेमोक्रेसी की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारी आवाजें कुचली जा रही है, लोगों की आवाज कुचली जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे वो हमारे साथ नहीं भी आए, आना चाहिए था, नहीं आए, लेकिन हमने फिर भी अपना फर्ज अदा किया है अपने लोगों के प्रति और जाके राष्ट्रपति जी को हमने यही अपील करी है कि संसद चलाने के लिए दबाव डाला जाए। और जो विपक्ष मांग कर रहा है जिन मुद्दों पे कि किसानी के ये जो काले कानून है जिस करके किसानों की मौतें हो रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन अलाउ किया जाए, जो जासूसी का मुद्दा है उसको अलाउ, इन मुद्दों से सरकार भागे नहीं, लोगों को समझाए कि क्यों ये हो रहा है, जो जवाब जनता चाहती है। तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया, हमने स्पीकर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि आप एक कमेटी बनाए एमपीज की जो किसानों से बात करे कि उनकी मौत हो रही, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कोई किसान मर नहीं रहा, 500 किसान मर गए हैं, 50-60 मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। और तीसरी बात हमने ये भी मांग करी थी कि अब लोगों के किसानों के ऊपर मलहम लगाने की जरूरत है, ऐसे जोर जबर से नहीं। तो जब आप सेशन शुरू होता है आप श्रद्धांजलि देते हैं, आपने ऐसे ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि दी जो इस संसद का हिस्सा नहीं है, तो 500 किसान मर गए हैं, आज तक साल भर में सरकार ने एक शब्द उनके पक्ष में नहीं कहा, उनको दुख नहीं प्रकट किया। हम सब एमपीज की तरफ से हम आपको अपील करते हैं कि ये अन्नदाता हैं, इनको ऐसे ना ट्रीट किया जाए, उनके लिए भी 2 मिनट मौन रखा जाए, लेकिन वो बात भी नहीं मांगेगी। सो कोई भी मांग जो हम चाहते हैं जिससे देश की अमन शांति आगे बढ़े, जिससे ये तकलीफें घटे, ना चर्चा ना आवाज, और सरकार पूरे अपने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के जनता को, एमपीज की आवाज को, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम कर रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। हरसिमरत जी, हमने ये देखा है कि अपोजिशन, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, बसपा हो, एनसीपी हो, सब लोग अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो मेमोरेंडम है उस पे भी कांग्रेस के लोगों का हस्ताक्षर नहीं है, तो ये जो डिवाइड है उसकी वजह से आपको लगता है कि सत्ता पक्ष इस तरह से सुनना चाहिए आवाज वो नहीं सुनता? देखिए, ये इसका जवाब तो वही दे सके क्योंकि मुद्दे वही हैं, चाहे अलग अलग हो या साथ में, मुद्दे तो वही उठाए जा रहे हैं ना, सो मुद्दा तो कॉमन है, सरकार को सबको सुनना चाहिए, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं उनका नहीं सुन रहे, हम छोटी विपक्षी पार्टियां हमारे मुद्दे तो एक ही हैं, सो सरकार सुनना नहीं चाह रही, मेन मुद्दा तो ये है। धन्यवाद। तो साफ तौर से हरसिमरत कौर बादल जो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिसमें और भी 8 पार्टियों के मेमोरेंडम पे हस्ताक्षर है, राष्ट्रपति से मिलके निकली हैं और साफ तौर से कहना है कि कृषि कानून हो या जासूसी का मुद्दा हो, सरकार को दोनों विषयों पर संसद में चर्चा करानी चाहिए, और इसी गुहार के साथ राष्ट्रपति तक आज ये पार्टियां पहुंची थी।